YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। एनसीसी 44 झारखंड बटालियन में ब्रिगेडियर संजय कुमार प्रसाद ने शुक्रवार को डाल्टनगंज पहुंचकर एनसीसी बटालियन यूनिट का निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में उन्होंने संतोष जाहिर की और कहा कि डाल्टनगंज यूनिट अपने मकसद की ओर निरंतर अग्रसर है। इससे पूर्व ब्रिगेडियर संजय कुमार प्रसाद ने यूनिट पहुंचकर कमांडेंट बी के सावंत, कैप्टन वासुदेव महली सहित सीओ और तमाम कैडेट से एक एक कर मुलाकात की और कुशल क्षेम पूछा। इस दौरान आकर्षक परेड के जरिए एनसीसी कैडेट्स की ओर से ब्रिगेडियर को सलामी दी गई। वहीं कर्नल बी के सावंत ने कहा कि पूरा प्रयास है कि सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले युवाओं को लोक सेवा में सेवा का अवसर मिले। आज मैं यहाँ आया हूँ डाल्टनगंज, जो कि रांची ग्रुप के नीचे है 44 बटालियन, उसके विज़िट करने के लिए, उसको मिलने के लिए लोगों से आया हूँ यहाँ पे। और क्योंकि ये थोड़ा दूर दराज है तो कभी कभी मौका लगता है तो मैं यहाँ आकर के इन लोगों के साथ मिलता हूँ। इनकी जो परेशानियाँ हैं या इन ये जो काम कर रहे हैं एनसीसी के लिए, उनसे उसके बारे में पता करता हूँ। इनकी जो परेशानियाँ हैं उसके बारे में कुछ निदान निकालने की कोशिश करता हूँ। प्लस जो ANO हैं, CTO हैं, जो NCC कैडेट्स हैं और जो यहाँ पे स्टाफ हैं और जो CO साहब, इनसे मिल करके एक मिशन में मैंने ये पाया कि बड़ा अच्छा यहाँ का मोराल बहुत अच्छा है और यहाँ पे सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और एक NCC का जो उद्देश्य है कि एक बच्चों को एक तैयार करना जो कि डिसिप्लिन्ड हों, जो कि देश के निर्माण के लिए और भविष्य के लिए काम करें और एक एग्जाम्पल बने, तो वो कार्रवाई जो ये लोग कर रहे हैं उस दिशा में वो बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हैं और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि यहाँ का काम बहुत बढ़िया हो रहा है। यही मार्गदर्शन होगा इस यूनिट के लिए कि जिस तरह से ये लोग अभी काम कर रहे हैं उसी तरह से करते रहें और जोश के साथ। और क्योंकि ये इलाका, इनका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जहाँ इनका इलाका है वो थोड़ा रिमोट है, तो थोड़ा और इनको और भी बाकियों से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उन बच्चों को अपने फोल्ड में लाने के लिए, और उन बच्चों को एक देश के निर्माण का एक हिस्सा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये NCC का एक उद्देश्य भी है, जो कि हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो देश निर्माण में अपना पूरा सहयोग करें। बताइए सर, किस तरह का क्या जरूरत है? हमारे जो है, फर्स्टली हमारे जो ग्रुप कमांडर साहब आए हैं ब्रिगेडियर संजय कुमार प्रसाद, इनका जो आउटलुक है, जो इनका नीति है, वो ये है कि यहाँ के लोगों को जो है मैक्सिमम जो है हम फैसिलिटी दे सकते हैं, जो सारा दे सकते हैं NCC की तरफ से और जो गाइडेंस दे सकते हैं, तो साहब पूरा सपोर्ट करते हैं हमको और उसी बूते पर हम लोग जो है यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो हमको अपने ग्रुप हेडक्वार्टर से पूरा सपोर्ट है कि जो भी हम बच्चों के, यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और यहाँ के जो नागरिकों के लिए जो सोशल सर्विस है, तो जो भी हम वहाँ पर सारा कर दे सकते हैं उनको, तो हमको पूरा वहाँ से फ्रीडम है और हमको पूरा छूट मिलती है। और हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे, क्योंकि बहुत 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से आते हैं उन रिमोट विलेज में, जहाँ पर 4-5 घर हैं और उनको कम्पीट करना पड़ता है शहरों में रहने वाले बच्चों से, तो NCC का एक रोल ये होता है कि हम उनको उस प्लेटफॉर्म पे उनके साथ में खड़ा कर सकें। तो हम ट्राई करते रहते हैं और हमें काफ़ी खुशी है कि काफ़ी हद तक हमने सफलता प्राप्त की है और आगे भी हम इसी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, उनको आर्मी में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में जॉब ले रहे हैं बच्चे हमारे, हम चाहते हैं सिविल सर्विस में उनको जॉब मिले, तो वही हमारा उद्देश्य है।